हेलो गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? तो आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आपकी रश्मि ऑफिशियल के चैनल में। आपका स्वागत है सभी गाइस। तो गाइस, मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। रीजन ये इसके पापा लेट आते हैं, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग बन के नहीं आया, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो ब्लॉग बन के क्यों नहीं, आज का मैं रीजन बताती हूँ। आज था मंगल, छुट्टी थी, तो आज मुझे करनी थी साफ सफाई, क्योंकि नवरात्रि 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने आज पूरे अपने किचन की देखो पूरे साफ सफाई करी है। कि देखो सारे डब्बे वॉश करे, पूरी टाइल साफ करी, सारा कुछ साफ किया, ऊपर टांड ऊंट पे सब मैंने अच्छे से साफ किया, पूरा रूम साफ करा। वो कहते ना, महीने में, एक महीने में मैं मंथली, मतलब एक महीने में थोड़ा दीवार उवार पे हाथ फेरती हूँ, पंखे उनके वगैरह साफ रह रहे थे। तो कल के लिए रह रहा है गाइस मेरा ये झूमर, जो बाहर आपको दिख रहा होगा, तो ये झूमर साफ करने को रह रहा है। तो आज मैंने गाइस जितनी भी मतलब साफ सफाई करनी थी, ये लड़िया वगैरह साफ, देख रहे कान्हा जी कपड़े मैंने धो के कहाँ रखे, क्योंकि ऊपर डर रहता है बंदर जी ले जाते हैं। तो आज ये पेड़ पूरा धोया, पूरे घर की झाड़ा पूरी सारी करिए। देखो आप, बस मेरा ये झूमर रह गया सफाई के लिए। तो गाइस बस ये कल करना है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आया बनके। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ना पौधे लगाने का इतना शौक है ना, इतना शौक है मुझे। एक बंदर की वजह से मैं पौधे नहीं लगा पा रही हूँ। तो जो मतलब आप लगा लो दीदी या फ्रेंड, कुछ भी लगा लो, ठीक है, वैसे बहनों से अच्छे ही रहते हैं। तो गाइस मैं सोच रही थी गमले लाने के लिए, लेकिन मुझे दीदी ने राय दी कि गमले से अच्छा क्यारी, क्योंकि क्यारी में छूते नहीं है बंदर। तो मैं आज सीमेंट लेके आई 5 किलो उसके पापा के साथ जाके। तो कल मैं ईंटें लेके आऊँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 10 ईंटें बस। तो वो छत पे मैं एक साइड में लगाऊंगी, फिर क्या कहते हैं उसमें पौधे, छोटे छोटे पौधे लगा दूंगी। और ऊपर से जाल, लोहे का जो जाल रखा हुआ है मेरे पास, वो ऊपर से रख दूंगी ताकि बंदर हाथ भी ना लगाए। तो मुझे फुलवाड़ी का बहुत शौक है, उसी में मैं सोच रही हूँ गुलाब का लगा दूँ, उसी के पास में तुलसी का लगा दूंगी। तो घर में तुलसी नहीं है, पिछली बार तुलसी लगाई थी तो बंदर ने 3 बार गमले में से उखाड़ दी थी। तो तुलसी मतलब तुलसी का कोई पौधा ही नहीं छोड़ते। तो इनमें से अब गाइस मैं बताऊँ आपको, मेरे को जाना है खाटू श्याम, ठीक है, बात हो गई थी। अभी कुछ डिसाइड, मतलब ये बोल रहे हैं पहले मैं ड्यूटी से छुट्टी ले लूँ, वो छुट्टी देगा तभी तो मैं जाऊँगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे खाटू श्याम जाना है तो जाना है, छुट्टी लो या कैसे करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो गाइस खाटू श्याम जाने के लिए ना मैं इतनी बेचैन हो रही हूँ ना, इतनी बेचैन हूँ। पता नहीं बाबा नहीं चाहते, बुलाना नहीं चाह रहे, अभी जाने क्या रीजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस जब जब भी जाओ ना, जाते जाते कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा बुलाना नहीं चाहते अपने पास, कुछ नहीं पता। तो गाइस आप बताओ, आप सब कैसे हैं, आपका खाना वाना बन गया? तो गाइस मैं बना रही हूँ आज कटहल की सब्जी। तो कटहल में प्याज ना हो, टमाटर ना हो, तो प्याज बिना कटहल अच्छे से बनता नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं खा पाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल। अभी मेरा कटहल भुन रहा है, फ्राई हो रहा है, सॉरी भुन रहा है, फ्राई हो रहा है, बात हुई है। तो मैंने देखो ये एक साइड प्याज अदरक है और एक साइड टमाटर है। तो बस आज बनाऊंगी कटहल, मेरा मन कर रहा था कटहल खाने का, ठीक है। और सुबह बनाऊंगी करेला भर के। गाइस सब्जी इतनी महंगी हो रही है ना बाजार में, तो बस अब क्या, पता है क्या मन करता है, दही जमाओ घर में और हरे धनी की चटनी बनाओ आम भी डाल के और खाओ। सब्जी इतनी महंगी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। अरबी लेने का मेरा मन था कि मैं सूखी अरबी बनाऊंगी, तो आधा किलो अरबी तो इतनी सी हो जाती है, सूखी बनाओ तो अरबी 100 रुपये किलो, बाप रे बाप। भिंडी 20 रुपये पाव, करेला था 20 रुपये पाव, तभी मैं आधा किलो करेला लेके आई हूँ, भर के बनाऊंगी, खाने का मन कर रहा है।
छोटे छोटे करेले हैं देसी, वो लेके आई। तो गाइस किसको भरमा करेले सबसे ज्यादा पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना, और सुबह मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं भरमा करेला कैसे बनाती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, सुबह इनको जल्दी जाना है इसलिए मैंने सब चीज़ तैयार कर रख दिया। तो गाइस इसमें है प्याज और अदरक, ठीक है, और दूसरी कटोरी में मैंने टमाटर पीस के, टमाटर हरी मिर्च पीस के रख लिया है, तो वो मैं टिफिन में करके ढक के फ्रिज में रख दूंगी ताकि सुबह जल्दी उठूं और बना दूं। करेला मैंने छोल के, और हाँ एक कटोरी में है आमी, इसमें देखो इसमें आमी है और इसमें करेला का बीज है, तो मैं करेला का बीज नहीं फेंकती हूँ गाइस, तो मैं करेला का बीज भी डालती हूँ, बक्कल भी डालती हूँ धो के, बट इन्होंने क्या करा करेले के बक्कल फेंक दिए, मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना सही में, एक पर क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं करेले के बीज तो मिल ही गए ना। तो करेले के बीज मैंने अच्छे से मतलब धो के पीस के रख लिया है और नमक लगा के करेला रख दिया है, सुबह बस वॉश करके बनाना। और मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे, मैं आपको मैं दिखाऊँगी मैं करेला कैसे बनाती हूँ। और भरमा करेला गर्मियों में किसको ज़्यादा पसंद है मेरे सब भाई बहनों को, तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और कटहल किसको पसंद है वो भी बताना, कहाँ से आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो वो भी बताना कि आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हो, मुझे कितना पसंद करते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में आपको करेला बनाते टाइम, तो बाय बाय, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, लाइक करना शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा करेले के ऊपर कमेंट करना, बाय बाय।